जब यूपीए की सरकार थी उस समय में तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 प्रति बैरल था, पेट्रोल का दाम ₹60 होता था, डीजल का दाम ₹55 होता था। और उस समय मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री साइकिल पर सवार होकर मुख्यमंत्री निवास से विधानसभा तक जाते थे। उस समय हमारे प्रधान वर्तमान के प्रधानमंत्री कांग्रेस के यूपीए सरकार पर टीका टिप्पणी करते थे कि वित्तीय संसाधनों को किस तरीके से मैनेज करना और महंगाई की मार किस तरीके से देश की जनता पर पड़ रही है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम $120 से घट के 40 तक पहुंचा और अब पिछले 3 सालों में अब ये वापस 80 तक आया है, तब भी हमारे समय से ये करीब करीब 25-30% तेल का दाम कम है। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज डीजल का दाम ₹75 क्यों और आज पेट्रोल का दाम ₹85 क्यों? इसका जवाब इस सरकार को देना होगा।